Hi, this is Varun Dhawan. This is Nawazuddin Siddiqui. And you're watching us on Bollywood Hangama. Sachin Jigar call G Karda as the best suicide song. That's, I think, the most interesting analogy that I've ever come across. And we have this the warring team of Badlapur, Varun Dhawan and Nawazuddin Siddiqui. Huge pleasure to have you guys back on Bollywood Hangama, first of all. And I've just seen the video of G Karda. Outstanding, I think, psychedelic stuff over there happening. But first of all, the statement of Sachin Jigar that it's the best suicide song. When anyone hears this term, ki it's the best suicide song or something, so they get थोड़ा टेकन अबैक कि ऐसा क्यों बोल रहा है कोई. बट जेन्यूनली आई मीन जो लाइन है, मेरा जी करदा मर जाने दाग दे सारे गोलियां मेरे सीने में, इट्स अ सॉन्ग विच हैज लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ रॉथ, एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट अ मैन हु इज एट वॉर विद इन हिमसेल्फ. बिफोर वी गो इनटू द वीडियो, आई विल जस्ट गिव यू वन ब्रीफिंग दैट दिस सॉन्ग एक्चुअली इज अबाउट थ्री कैरेक्टर्स इन द फिल्म. इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट नवाज सर एंड विनय पाठक. ऑल थ्री हैव देयर ओन पर्सनल डीमंस एंड the fight which they are fighting, and right. The song fits beautifully. I think it's my best song ever. It's Sachin Jigar's best song ever, and it totally it's like the theme song. Ek theme song agar picture ki hoti to yehi hai mere sab. Okay, and Nawaz bhai, matlab I think somewhere you make evil look beautiful somehow. Ye aap kis khoobsurti se aap karte hain, aapko dekh kar jo hai matlab yakeen nahi hota ki yaar ye aadmi is qisam ka, iska even aapki jo smile hai, you know, it's just communicating the entire evil that is going in your mind. How do you manage that? Ye matlab jo dekhne mein aap itne zyada sharif aap aadmi lagte hain, लेकिन बिल्कुल है, मैं तो इसका गारंटी कर सकता हूँ. मतलब ऐसा शक होता है कि नहीं, नहीं बिल्कुल शक नहीं होता, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं आप, कमाल एक्टर हैं आप. तो उसमें जो एक इविल स्माइल आपकी है, सिर्फ एक स्माइल से आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्रूकेट से स्माइल, तो मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं, क्या है? तो वरुण सामने था तो उसको देख के नफरत आ रही थी. हाँ, बदला लेने का मन कर रहा था. तो उस तरह का है तो एक्चुअली वो कोई प्री ऑक्यूपाइड नहीं है. मतलब पहले सोच के कि आप ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो जब एक्टर सामने होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. यू नो, आई थिंक इट्स शॉट ब्यूटीफुली. आई थिंक अनिल मेहता हैज शॉट इट, एंड आई थिंक द एंटायर दैट साइकेडेलिक एलिमेंट टू इट एंड द एंटायर मेंटल स्पेस, द ट्रॉमा दैट यू आर गोइंग थ्रू. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज यू नो, वर यू टोल्ड अबाउट दैट हाउ द फाइनल एडिट इज गोइंग टू लुक लाइक? डिड यू थिंक ऑफ दैट? आई थिंक ये गाने का एक प्रोसेस था. व्हेन वी मेड दिस सॉन्ग, डीनू एंड मी, वी वुड टॉक अ लॉट अबाउट द सॉन्ग कि यू नो इट शुड बी लाइक दैट, और इट शुड बी लाइक दैट, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. फिर एक दिन हमारे डिस्कशन में श्रीराम राघवन आ गए, एंड उन्होंने अपना विजन बोला विच जस्ट ब्लू अस ऑल अवे. वी वर लाइक, यू नो, हम लोग ने कुछ सोचा था बट ये नहीं सोचा था. माय ओनली थिंग वाज मैंने अहमद सर के साथ सैटरडे में काम किया था, एंड बिकॉज आई एम वर्किंग विद रेमो डिसूजा. अहमद सर इज रेमो सर्स गुरु. Yes. As in, he's worked with him first. I know. So many stories I've been hearing about Ahmed sir, and anyway, I've collaborated with him once. So I said, let's just get Ahmed sir to do this, because he's more than anything, you need a person to direct this video. You don't only need choreography, you don't only need dancing in it. And he's actually very senior. Ahmed sir dikhte itne young hai, but actually kab se kaam kar rahe hai. Rangila and all. Haan, exactly. So it's coming together of three very great technicians, Ahmed Khan, Anil Mehta, and Sriram Raghavan. It's तीनों की जो विजन है वो, एंड अनाइटा ऑल्सो हु स्टाइल्ड अस इन द फिल्म, वो तीनों का जो मिशन है उसका मिश्रण होके ये वीडियो निकला है. एंड विद द होल साइकेडेलिक स्टफ एंड बीइंग एट वॉर विद इन योर सेल्फ एंड ऑल, वी हैड लॉट ऑफ रेफरेंसेज ऑफ मीट लोफ एंड पिंक फ्लॉयड, एंड आई थिंक दैट आई मीन आई दे वुड जस्ट प्ले द सॉन्ग फॉर 3 मिनट्स एंड आई वुड जस्ट कीप डूइंग स्टफ. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट. The edit pattern, I think Sriram and Dinu sat on it for a long time, and I think in today's day and age we have to give people stuff that is global. I'm not even going to talk about Hollywood and stuff, because forget that, there's so much cinema being made in France, in Spain, Argentina, Iran. So we have to give people global cinema today, you know, which people from different countries also will say it's on that standard, and that's the attempt with Badlapur. Right. And Nawaz bhai, Ahmed is choreographed it, and as he's saying is directed as well, but I believe Sriram Raghavan had also given a few instructions that it should be in consonance with the jo film ka mood hai uske hisab se hi matlab gana bhi hona chahiye. To kya aapki briefing kya thi when this song was being picturized? Main to actually pehle yehi soch raha tha ki shayad kyunki song hai to shayad kuch aisa kuch hoga, choreograph karke kuch hoga shayad aisa. Ji. Lekin jab hum log set pe the to jise Varun ne bataya ki tino ka jo thought tha wo milke
जो स्पेशली जो कैरेक्टर होता है उसको एनहांस, वो इनहांस हुआ. इट इज़ नॉट लाइक प्योरली कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग, बट इट्स लाइक वो इनहांस कर रहा है आपके कैरेक्टर को, आपके इनर को इनहांस कर रहा है. तो क्योंकि अहमद साहब जो है वो, उन्होंने जैसे वरुण ने बताया कि वो कोरियोग्राफ नहीं किया उसको बिल्कुल भी, जैसे ऐसे जैसे एक सीन डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरह का. नाज़िर, आपने बहुत से कमाल के एक्टर्स के साथ में आपने काम किया हुआ है, अगर आप वरुण धवन को अगर आप रेट करेंगे एज एन एक्टर, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, या समझ लीजिएगा इस वक्त आपके सामने नहीं बैठे हुए, तो आप कितना इनको रेट करेंगे 1 to 10 में? बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, ये आपके सामने सब बैठे नहीं है, मतलब मैं ऑफकोर्स 8 to 9 करूँगा. क्योंकि एक तो इतनी कम एज में इस तरह के पिक्चर का चुनाव करना, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि चुनाव के पीछे ही आपका टैलेंट छुपा होता है, कि आप जिस तरह के फिल्म चूज़ कर रहे हैं दैट मीन आपका माइंड वहाँ पे जा रहा है उस तरह का काम कर, और अगर वहाँ पे जा रहा है तो आप वही उसी तरह का काम स्टार्ट इनरली करना शुरू करते हैं, मेंटली करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल, वो एक एक्सरसाइज होती है आपकी कि आप उस तरह के काम, मतलब जैसा चूज़ कर रहे हैं उस तरह का काम जब से आपने सोचा तब से आप, यानी कि आपको टास्क मिल गया आप करना शुरू कर देते हैं. तो इतनी कम एज में अगर वरुण इस तरह की फिल्में चूज़ करें तो डेफिनेटली एक बहुत ही, ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है, और डेफिनेटली वो, और अभी आप फिल्म में देखेंगे तो बहुत वर्क करता है, जो इनकी एक इनोसेंट एनर्जी है जी जी, उससे कोई बच नहीं पाया, तो टेरिफिक परफॉर्मेंस है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ कंपैरिजंस एक विलन से किए जा रहे हैं कि दैट इट्स लुकिंग अ बिट सिमिलर, बिकॉज उसमें भी एक रितेश का और सिद्धार्थ का एक कैरेक्टर था, मतलब दे वर एट वॉर विद ईच अदर. यहाँ पर भी हम आपका और वरुण का देख रहे हैं, तो कुछ इसमें कुछ आपको लगता है? बिल्कुल कहीं से ए टू जेड कहीं से भी सिमिलरिटी नहीं है. वो ये भी स्टोरी बिल्कुल अलग है ये जी, और सिंपल स्टोरी है, और लेकिन इतनी डिफिकल्ट है शूट करने में, इतना डिफिकल्ट था, और जो कैरेक्टर्स हैं लाइक वरुण का और मेरा जो कैरेक्टर, वो इतने डिफिकल्ट है, और ट्रांसफॉर्मेशन इतने खूबसूरती से होता है दोनों कैरेक्टर्स का, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा. वो डिलिब्रेट कुछ भी नहीं है इसमें, नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जब हालांकि मैंने एक विलन नहीं देखी, लेकिन जो हमारी तो खैर स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, परफॉर्मेंस स्टाइल एब्सोल्युटली डिफरेंट थी. यू सेड दैट आमिर खान वंस टोल्ड मी द बेस्ट डिसीजंस एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न आर टेकन विद द हार्ट. जैसे फिल्म्स के चुनाव की बात करी नवाज भाई ने, तो आप ये आमिर ने जो आपको स्टेटमेंट कब एग्जैक्टली, व्हेन एग्जैक्टली ही टोल्ड यू अबाउट? मेरा एक्चुअली इट वाज माय गुड फॉर्च्यून दैट एक दिवाली पार्टी थी मेरे बिल्डिंग में of this man who's a family friend, non-filmy, and he happened to be there. Amir sir was there, and he met my parents and he asked for me. Aur main jaane nahi wala tha. Then, so when he asked for me, I went down and I think we ate food together. I spent some time with him, and so he was talking not only to me, but he was talking to a lot of other kids who had nothing to do with films, just generally right. about life. He was just talking generally about life and about how decisions that are taken from the heart eventually go on to work more for you than keeping a commercial aspect in life. That struck a chord for me, and he recently even saw the trailer of Badlapur, and I mean he didn't need to, but he sent me a message which is very very sweet. Yeah, what exactly did he say? He said something like deadly stuff, risky and brave. Right. So and Amir doesn't say things easily. No, I don't know him that well. I mean, obviously, I know Salman bhai better. I've done a film where I've assisted Shah Rukh Khan. I mean, I've assisted on a film with Shah Rukh Khan. So, I've interacted with them more. Sure. But whatever interactions I had with him, he comes across as the most normalist person. Like, I don't know how to treat him like Amir Khan, because he behaves so normal. It was very sweet of him, and I think more than anything, it's the way audiences are reacting. And I'll be very honest about this. Genuinely, I mean, I've just done 3 films, but this is the first time my friends, mere jo age group ke mere dost hai, they are excited about a film of mine. You guys got a very good response for the first look promo, and Salman Khan, in fact, tweeted about you as well. So how does it feel that someone like Salman Khan is just having such words for you? Because Salman, once again, he's like, he's not someone who will say things just for the heck of it. It's very special. Obviously, with Bhai, it's emotional also when he praises my work. And you know, I've never ever told him, messaged him, or told him ki, you know, do this, or because I have a personal relationship with him. I don't want to use him professionally. I'm always aware of that, right. About that line, you know, that I think his sister showed him the teaser, and he was very happy, because I remember during kick somewhere we were taking a picture, meri daadi thi us waqt, and I was trying not to get
फोटोग्राफ आई जस्ट सेड समथिंग एंड एट दैट टाइम ही हैड मेड फन ऑफ मी एंड ही सेड ये पिक्चर तो मैं देखूंगा तेरी देखते फोटो नहीं ले रहा है समथिंग समथिंग देन आई थिंक व्हेन आई थिंक ही सॉ हिट एंड देन ही प्रेज मी आई थिंक इज वेरी स्पेशल बट लाइक आई सेड यू नो मोर देन पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री फॉर मी ऑलवेज व्हाट मैटर्स जो मैटर करता है ऑडियंस है जो बंदा है जो मीडिया के लोग है एंड आई मीन जब कैमरा बंद हो जाता है और हम लोग की इंटरेक्शन और सबकी इंटरेक्शन वो लोग क्या बोलते हैं मुझे आर यू डूइंग अ कैमियो इन बजरंगी भाईजान बाय एनी चांस नो आई एम नॉट डूइंग एनी कैमियो आई एम नॉट इन दैट स्टेज टू डू कैमियोज आई एम टू स्मॉल राइट नाउ क्या इफेक्ट होने वाला है मेरे कैमियोज नहीं नहीं बिल्कुल आप स्मॉल तो बिल्कुल नहीं है नवाज भाई यू वर्क विद आमिर खान सलमान खान के साथ भी आपने काम किया हुआ है एंड अभी शाहरुख के साथ में आप रईस में आप काम करने जाने वाले हैं सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑफ कोर्स आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद हिम सो दैट विल बी द First time I'm working with him. You're starting the shooting in March, right? No, March mein, mere khayal se. March mein, and even Rahul Dholakia, I think the director once again, very fine director himself. Of course, but unko main kafi pehle se janta hu Rahul ko aur unki filmein bhi dekhi hain, jaise Farzaniya dekhi hai, to bahut impressive film thi. Super. तो तभी से ख्याल था कि उनके साथ कोई ना कोई फिल्म करूँगा और उनसे वैसे भी पहले से फिराक फिल्म जो की थी उनमें बिल्कुल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस फिल्म में आनंदिता की तो तब से उनको जानता हूँ मैं शाहरुख के साथ इंटरेक्शन कुछ रहे हैं आपके स्क्रिप्ट रीडिंग में नहीं अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट शायद सेट पे ही ना मिलना ओके नाउ व्हेन आई सॉ द प्रोमो ऑफ जी करदा समवेयर यू नो फ्लीटिंग रेफरेंसेज ऑफ हुमा कुरैशी एंड यामी गौतम आई थिंक हुमा इज हैविंग जस्ट लाइक मे बी आई थिंक 15 सेकंड्स यू नो इट हैज दैट सेक्सुअल एनर्जी टू इट द वे शी इज लुकिंग एंड इवन द कैमरा एंगल्स द एडिटिंग पैटर्न्स द वे इट इज समथिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट बिकॉज लॉट इज बीइंग सेड अबाउट दैट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ sexual element as well as a lot of dark element in the movie because if you can communicate just through a look and you know if you can have that tingling feeling I think that's wonderful you need not be having like exactly too much of flaunting stuff very well said that you don't need to actually expose a lot to show sexuality can be in the eyes and I think Huma even in those in that brief fleeting presence has that hold and shows that and I was going to use ek word use karne wala nahi use karunga but she's it's a very hot look that she has right and Yami is a polar opposite of her that has that you know innocent take, feel right? take me home feel to the mother but I think both the girls Huma and Yami are extremely sexy and I'm lucky that I got to work with them what is the latest on the Fault in Our Stars are you doing it because it's been Deepika and you were see all I can say right now that this is my first film with Dinu and I've come to know Dinu as a friend and definitely Dinu and me will work together and Homi is a director I want to work with I think as of now Dinu and me we both are just going to concentrate on Badlapur that's what we decided because you know you aajkal I feel you get this one chance to do it right you know you can't just keep making films you do one film you have to and you have to the film is complete release pe complete hoti hai film 20th feb ko Badlapur khatam hogi you also said in an interview that it drained me I had slipped into depression as after a point it no longer felt like I was acting in a film you also said I lost a few friends as I was looking at life from the perspective of a wronged man how much of this film has given to you and how much has it taken from you whenever I leave my house my mother comes and tells me you're Varun, you're not Raghu. Be Varun. And then I leave my house. She's told me this at least 16-17 times lately in the and I don't understand why she keeps telling me this. But my mother keeps telling me this. Right. I think because she's my mother, probably she knows what I went through the most probably because a mother knows what a child went through. Sure. I can't explain it. Sriram's brief to me for this film was I wanted to suffer silently. And he knew that he needed me to suffer. Probably even because, and I think probably if there was a person little older than me playing this role, it wouldn't have affected them so much because you've lived so much life, you've seen death, you've seen heartbreak. आपने बहुत कुछ देखा, experience किया है ज़िंदगी में, तो आप इतनी बड़ी तरीके से नहीं देखते हो. Genuinely, in any of my films, no one has died also that way. नवाज भाई आपने जब जैसे अगर एक डार्क सिनेमा के अगर देखा जाए जैसे तलाश में भी हमने आपको देखा था और भी बहुत सी गैंग्स ऑफ वासेपुर है या और बहुत सी फिल्में आपकी बॉम्बे टॉकीज़ में आई थिंक आपने बहुत ही कमाल का आपका पोर्शन था विच आपने कहा था कि इट्स योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार बट आपने ज़िंदगी को बहुत मुश्किलों से आप गुजरे भी हैं आपने इनफैक्ट मुझे एक बार बताया था कि आपको कैरेक्टर मतलब साइड मतलब एक्स्ट्राज में आपको लिया जाता था
और उसमें से भी जो कोऑर्डिनेटर था वो आपके पैसे उसमें से आधे पैसे आपसे ले लेता था। जब आप इस तरीके के रोल्स को निभाते हैं जिसके अंदर एक डार्क शेड्स हैं या फिर एक मे बी ग्रे कैरेक्टर है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ से कितना चीज़ों को आप उठाते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैरेक्टर से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है, कि आपको बहुत बाद में पता चलता है। लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि ग्रे शेड, मेरे ख्याल से ग्रे शेड के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें स्कोप ज़्यादा होता है परफॉर्मेंस का, बजाय इसके कि आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव रोल कर रहे हो, क्योंकि उसमें एक फार्मूला होता है इन दोनों कैरेक्टर्स में, नेगेटिव और पॉजिटिव में। बट जबकि ग्रे में बहुत स्कोप होता है, कहीं पे भी इन्फिनिट होता है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। क्या बात। अगर हम रियल लाइफ में लोगों को देखते हैं तो वो मोस्टली जो है ग्रेइश होते हैं वो लोग। नहीं, हम सब ग्रे हैं। हम ग्रे हैं। तो ये सिर्फ जो है ना हमारी फिल्मों में बना रखा है ये कि ये वाइट है, ये ब्लैक है। जबकि एक्टर्स को सबसे ज़्यादा जो स्कोप होता है, मज़ा जो आता है, वो ग्रेइश कैरेक्टर में करने में मज़ा आता है। तो चूँकि लाइफ भी ऐसी होती है, आप आज बहुत बहुत अच्छे से आज आप रह रहे हैं, कल को कुछ और, आप हर वक्त तो ऐसे नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते, कैरेक्टर भी कभी एक जैसा नहीं रह सकता, तो भी कभी वो अप होता है, कभी डाउन होता है। एक चीज़ एक्चुअली आई हैव नोटिस कि जो आदमी सबसे ज़्यादा हंसता है उसका गुस्सा सबसे ज़्यादा होता है। हैव यू सीन अ मैन हु इज़ ऑलवेज लाफिंग, पर जब उस बंदे को गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा कुछ दूसरे साइकोटिक लेवल पे होता है। वो भी है ना कि जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, वो भी एक चीज़ है। रोहित धवन्स फिल्म विद जैकलिन एंड जॉन अब्राहम, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? 5000%, इट्स माय एवरीथिंग। इट्स अ फिल्म विद माय ब्रदर, सो इट्स माय फिल्म, आई विल से इट प्राउडली। एवरीथिंग इन दैट फिल्म इज माइन। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, थ्रिल्ड टू बी डायरेक्टेड बाय माय ब्रदर एंड वर्किंग विद जॉन, हु इज ऑल्सो लाइक एन एल्डर ब्रदर, and Jacqueline and Sajid Nadarwala producing it. It's a very special film and it's going to be something, it's something big. That's all I can say. My brother will hit me if I reveal more, so I'm going to keep quiet. No, I should speak to David G actually. He's good. He'll at revealing. He'll say everything. So he's good at revealing. He was the first one to tell us about the film as well. Okay, final thoughts on Badlapur. In terms of promotions, what is it that you'll be doing different so that you can create more and more awareness about this movie? You know, going... You went to Gaiti Galaxy recently and... We went to Gaiti. Interacted over there. Dino, who's our producer and a friend now, me and he had a chat. We decided with this film, we are not going to do anything strategically. Everything is going to be done by the heart. I told him that, you know, Dino, jab se main actor bana hu, wo multiplex ka this big thing has been happening. But bachpan mein main jaake sare picture single screen mein, Chandan, Gaiti, तो मैं उधर जाके देखता था। तो आई सेड मेरे को उस ऑडियंस के लिए कुछ करना है। आई हैव गॉन एंड सीन फिल्म्स ऑफ दैट, विसल्ड ऑन बाबाज एंट्री इन खलनायक, विसल्ड फॉर सलमान भाई, शाहरुख खान, ऑल दीज फिल्म्स आई हैव एंजॉयड ओवर दैट। सो व्हेन आई टोल्ड हिम दैट, सो ही सेड चल लेट्स गो टू गेटी। सो एवरीथिंग, ऑल द प्रमोशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन फ्रॉम द हार्ट इन दिस। देयर इज बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस फिल्म फॉर मनी, आई एम नॉट डन सो दिस फिल्म मेक्स लाइक सम ह्यूमंगस मनी। इट डू व्हाट द ऑडियंस हैज टू गिव इट, एंड इट्स जस्ट टू एंटरटेन पीपल, एंड इट्स अ फिल्म दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ एज एन एक्टर, एंड होपफुली द ऑडियंस विल बी प्राउड ऑफ इट एज वेल। नवाज भाई, जो डिमार्केशंस हैं कि ये हीरो है, ये विलन है, बहुत हद तक वो डिमार्केशंस जो हैं अभी हिंदी फिल्म्स में वो ब्रेक किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इवन इसमें भी हम अगर देख रहे हैं तो उसमें आई डोंट थिंक यू आर एग्जैक्टली लाइक अ ईविल कैरेक्टर समवेयर, बिकॉज आई थिंक इवन समवेयर वरुण इज हैविंग लाइक अ सर्टेन ग्रे शेड्स टू हिज पर्सनालिटी, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। या ईविल एज वेल, जिस तरीके से पुलिस वाले को बोलते हैं दैट अभी मर्डर वर्डर करके आए हैं, मराठी में जिस तरीके से बोलते हैं, समथिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट दैट डू यू फाइंड इट फैसिनेटिंग दैट जो लाइंस हैं वो ब्लर हो रही हैं कि दैट कौन हीरो है कौन विलन है, सच्चाई कहीं कहीं ना कहीं बीच में। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर लाइक पर्टिकुलर जो हीरो का जो वो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्लर होगा तो अच्छी स्टोरीज आने शुरू होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टॉपिक्स आने शुरू होंगे, नए नए टॉपिक्स आने शुरू होंगे। तो आई थिंक वो जैसे अभी ये जो टाइम है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा टाइम है हमारी इंडस्ट्री का, इसमें हर तरह का सिनेमा बनता है, आपकी चॉइस है, जिस तरह का सिनेमा आपको देखना है वो देख सकते हैं आप। ये जो दौर है वो बहुत अच्छे सिनेमा से गुजरा, हर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेट्स सी कहाँ पे जाता है। हर तरह का सिनेमा बनेगा, भी बनना भी चाहिए, तभी एक इस तरह का सिनेमा की वैल्यू है। फिल्म लायर्स डाइस जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्मों को उतना प्रोमिनेंस अभी नहीं मिल पा रहा है, सर्टेन फिल्म्स को रिलीज भी नो आई थिंक अभी डिसाइड नहीं है। हाँ, तो लेकिन और भी मतलब जैसे आई थिंक घूम केतु आपकी एक फिल्म है समवेयर, तो व्हेन सच फिल्म्स फेस अ बिट ऑफ डिफिकल्ट टाइम इन रिलीज,
आपको अफसोस होता है? देखो, ये छोटी फिल्में होती है, फेस्टिवल कवर करती हैं, उसके बाद बस क्रिएट होता है, उसके बाद वो रिलीज होती हैं फिल्में। लेकिन बहुत से लोग लंच बॉक्स को भी फेस्टिवल फिल्म बोल सकते थे, लेकिन उसकी जो कमर्शियल कामयाबी है वो हिस्टोरिक है। इंडिया में तो है ही, लेकिन ओवरसीज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप छोटी फिल्म है तो उनका थोड़ा सा अगर प्रमोशन, लाइक जैसे लंच बॉक्स का प्रमोशन हुआ बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था प्रमोशन उसका। अगर बाकी जो फिल्में हैं जैसे लैस डैस है या घूम के तू है, उस लेवल पर अगर प्रमोट किया जाएगी फिल्म को तो वो उतना मेरे ख्याल से लंच बॉक्स से कम एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म्स हैं वो एक्चुअली। बिल्कुल, वो तो फेस्टिवल में जाती है तो उनको एक थप्पा लगा दिया जाता है कि अच्छा ये तो मतलब फेस्टिवल सर्किट की फिल्म, जबकि वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म होती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच बीइंग ऑन बॉलीवुडनामा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू जी करदा रिलीज ऑन 8th January एंड द मूवी फॉर शो February 20th, एंड आई होप दैट यू गाइज हैव अ वंडरफुल टाइम जस्ट प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट, बिकॉज सच फिल्म्स आई थिंक नीड टू बी सीन बाय एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ह्यूज प्लेयर टू हैव यू ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू, थैंक यू फिल्म। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वॉचिंग। हाय, दिस इज फरीदून शहरयार। फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी इंटरव्यूज डू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वॉचिंग। Yeah.